मुझे न लगा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने तुझे मैं दे दे प्यार दे 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 प्यार दे प्यार दे। 80 का दशक सिल्वर स्क्रीन पर चमकते अनगिनत सितारे और उनके बीच दूधिया रोशनी से नहाया हुआ एक चांद। गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। कैमरे के सामने आते ही लोगों की निगाहें उनके चांद जैसे चेहरे से हटती ही नहीं थी। डफली वाले, डफली बजा। रोमांस हो, डांस हो, ममता हो, रुदन हो या जुदाई, हर सीन में अपने चेहरे की अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली इस अभिनेत्री पर कौन सा मशहूर डायरेक्टर फिदा हुआ और कह दी वो बात जो इतिहास बन गई। सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा देने वाली इस हीरोइन ने ऐसा क्या कर डाला था कि पड़ गई थी रेड। पर्दे पर तमाम सुपरस्टार्स के साथ सफल जोड़ी बनाने वाले इस हीरोइन को क्यों करनी पड़ी 3 बच्चों के पिता से शादी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी कैसे एक गलत फैसले ने बर्बाद कर डाला इस बेहतरीन एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ, ये सब बताएंगे आपको डिटेल में। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। उनका अभिनय, अलग अंदाज और बेपनाह खूबसूरती, सब कुछ बेमिसाल था। इन पर फिल्माए गए गाने तो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी उनका कोई तोड़ नहीं है। जिसने सफलता पाने के लिए कभी शालीनता का दामन नहीं छोड़ा, तो वहीं दर्शकों ने भी उन्हें सिराखों पर बिठाया और साड़ी में लिपटी ये लड़की एक दिन बन गई सबकी चहेती हीरोइन। महज 10 रुपए की कमाई से शुरुआत करने वाली एक लड़की कैसे बनी हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन। साथ ही जानेंगे कि एक बेहद कामयाब हीरोइन होने के बावजूद जया प्रदा को क्यों एक अवैध रिश्ते में दूसरी औरत बनकर रहना पड़ा और बाद में ये जिंदगी भर के लिए तन्हा रह गईं। किशन साहब का क्या रिश्ता है? किशन आपका बेटा तो नहीं? फिर आपके दिल में उसके लिए ये तड़प क्यों है? क्यों है ये तड़प? साथ ही बताऊंगी वो दिलचस्प किस्सा जब एक दूसरे से सालों तक बात ना करने वाली श्रीदेवी और जया प्रदा को जितेंद्र ने घंटों तक एक कमरे में बंद कर दिया था। वाकई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है ये हीरोइन, जिसे सब कहते हैं जया प्रदा। जी, वही जया प्रदा जिनके खूबसूरत चेहरे का तेज, उनकी बोलती आंखें और लाजवाब अभिनय को उनके फैंस आज तक नहीं भूले हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी जया प्रदा का फिल्मों में कैसे आना हुआ, कैसे उनकी लव लाइफ ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो उन्होंने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया था। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हर तरफ से बैकफुट पर जा चुकी थी, फिर कैसे किया उन्होंने शानदार कमबैक, इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन की। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना। जया प्रदा का जन्म 3 फरवरी 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली जया को सिर्फ 7 साल की उम्र में उनकी माँ ने स्कूल के साथ साथ डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलाना भी शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में काफी माहिर हो गई थी। जया को महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। स्कूल के एक प्रोग्राम में जया को परफॉर्म करता देख एक निर्देशक की नजर उन पर पड़ी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था भूमि कोसम और इस फिल्म में 3 मिनट के एक गाने में जया को लिया गया था, जिसने उन्हें साउथ के सभी बड़े डायरेक्टर्स की नजरों में ला दिया।
हालांकि अपनी इस फेमस परफॉर्मेंस के एवज में उन्हें केवल 10 रुपए फीस के रूप में मिले थे। इसके बाद जया ने तेलुगु और तमिल में कई और फिल्मों में काम किया। 1976 में उनकी तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा काफी सफल रही, जिसने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बना दिया, और इसी का हिंदी रिमेक 1979 में जया पर्दा को ही लेकर बनाया गया। फिल्म का नाम था सरगम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की वो कहानी लिखी जिसकी चर्चा आज तक फिल्मी गलियारों में होती है। इस फिल्म ने जया को रातों रात स्टार बना दिया, और तो और पहली ही हिंदी मूवी करके फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म के गाने तो सदाबहार हैं, खास तौर पर ढपली वाले गाने की गूंज तो जैसे आज भी कानों में गूंजती है। मेरे चम चम से, मेरे डम डम से, क्या रंग जाने लगा। इसके बाद उनके कुछ और फिल्में आईं, लेकिन जया पर्दा को इनसे कोई खास फायदा नहीं मिला। 1982 में उनकी राकेश रोशन के साथ आई फिल्म काम चोर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें जया पर्दा ने पहली बार अपने हिंदी डायलॉग्स खुद बोले थे। ये फिल्म भी उनकी तेलुगु फिल्म सुबोधयम का रीमेक थी। इस फिल्म के सुपरहिट गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर। फिल्म संजोग में उनके निभाए माँ बेटी के डबल रोल को भला कौन भूल सकता है। जया ने बड़े पर्दे पर ममता की ऐसी मूरत साकार की जिसे देखकर लोग उनसे दिल से कनेक्ट हो गए। जया के करियर का ग्राफ अब बुलंदियों को छूने लगा था। जया की बेजोड़ अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड से लेकर आम आवाम तक थे। इसी बीच जया पर्दा के टैलेंट और सुंदरता पर वो बयान आया जिसके कई मायने और मतलब थे। वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे थे, जिन्होंने जया पर्दा को ब्यूटी विद टैलेंट कहा था, और इससे भी आगे बढ़कर उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। सत्यजीत रे जया पर्दा से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म तक बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तबीयत ठीक न रहने के कारण उनका ये सपना अधूरा रह गया। जया ने यूं तो अपने समय के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी जितेंद्र और अमिताभ के साथ बड़े पर्दे पर तहलका मचा देती थी। जितेंद्र के साथ जहां उन्होंने लोग पर लोग, तोहफा, हैसियत, पाताल भैरवी, संजोग, स्वर्ग से सुंदर, औलाद और सिंदूर जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, आज का अर्जुन, गंगा जमुना सरस्वती, इंसानियत और जादूगर सरीखी फिल्मों में काम किया। शराबी फिल्म में जया पर्दा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों को मदहोश कर डाला था। जया अपने फिल्मी सफर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और देखते ही देखते वो हिंदी फिल्मों की नंबर वन हीरोइन बन गई। एक वक्त तो ऐसा आया जब जया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल एक्टर बन गई थी, और यही पैसा उनके लिए जी का जंजाल बन गया। कहते हैं ना कि सफलता हमेशा डंका बजा कर आती है। 1985 का वो समय जब जया आज भी याद करती हैं तो सिहर उठती हैं। एक साथ जब उनके कई ठिकानों और घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, उनका काफी पैसा जब्त कर लिया गया था। बस यहीं से शुरू हुआ जया की जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला। वो उस वक्त फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह से टूट चुकी थी। इस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने। श्रीकांत नाहटा ने न केवल उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने में मदद की, बल्कि ऐसे समय में जब चारों ओर जया की काफी किरकिरी हो रही थी, उन्हें मानसिक तौर पर भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे ये हमदर्दी दोस्ती में तब्दील हुई, और दोस्ती प्यार में। दोनों के मोहब्बत के चर्चे जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे थे, और अपने करियर के पीक पर पहुंचकर जया ने 1986 में श्रीकांत नाहटा संग शादी कर ली। लेकिन ये शादी पूरी फिल्म इंडस्ट्री और जया के फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं थी। श्रीकांत न केवल पहले से ही शादीशुदा थे, बल्कि तीन तीन बच्चों के पिता भी थे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था,
लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बिना ये शादी कर ली और कहीं ना कहीं जया का ये फैसला उनके कैरियर पर भारी पड़ा। जया पर दूसरी बीवी का टैग लग चुका था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए और जया प्रदा के करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें सब कुछ दिया फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ कुछ उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। वो भी सिर्फ एक गलत फैसले के चलते। शादी के बाद ना तो नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा ना ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा शादी के बाद भी अकेली ही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के बेटे सम्राट को अडॉप्ट कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो जितना सफल उनका करियर था उतनी ही नाकाम उनकी शादीशुदा जिंदगी रही। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है, बेवफा नहीं। अब बात जया के लाइफ के एक मजेदार चैप्टर की। हीरोइंस के बीच कंपटीशन होना तो आम बात है। जया का भी अपने वक्त में एक और टॉप हीरोइन श्रीदेवी के साथ जबरदस्त मुकाबला चलता था। दोनों ने भले ही ऑन स्क्रीन बहनों की भूमिका निभाई हो पर असल जिंदगी में इनकी केमिस्ट्री पूरी तरह से बेमेल थी। एक सेट पर मौजूद होते हुए भी दोनों में बातचीत तक नहीं होती थी। सेट पर अक्सर माहौल को हल्का बनाने के लिए कोई डायरेक्टर या उनका कोई को स्टार दोनों का परिचय कराता था। दोनों अपने रोल, डांस, यहाँ तक कि कपड़ों को लेकर भी एक दूसरे से तगड़ा कंपटीशन करती थीं। एक बार इंडियन आइडल के सेट पर जया ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इन दोनों को मेकअप रूम में एक घंटे के लिए बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन जया और श्रीदेवी ने बात तो दूर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। यहाँ सरगम फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताती हूँ जिसे सुनकर आप ये जरूर सोचेंगे कि उस दौर की एक्ट्रेस किन किन हालातों में काम करती थी। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार मुझे ट्रेन में नहाना पड़ा था क्योंकि हमें लोकेशन पर पहुंचते ही शूटिंग करनी होती थी। डायरेक्टर सुबह की पहली रोशनी में सीन फिल्माना चाहते थे। उस समय मैं 24 घंटे काम कर रही थी। मैंने खुद ही अपना मेकअप करना सीख लिया था। फिल्म की डिमांड के हिसाब से हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना पड़ता था। हमने बहुत मुश्किल हालातों में शूटिंग की है जबकि आजकल की एक्ट्रेस वैनिटी वैन ना होने पर पूरी यूनिट को परेशान कर देती हैं। फिल्मों में सफलता का परचम लहराने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। यहाँ भी उनकी किस्मत का सितारा खूब चमका और वो आए दिन चर्चा में रहती थीं। 1994 में जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुईं। ज्वाइनिंग के दो साल बाद ही टीडीपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। अब बात जया प्रदा की जिंदगी के उस हिस्से की जिसके बिना बात पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली के आंध्रा भवन में ये अभिनेत्री अकेली गुमसुम सी बैठी थी। वो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंची थी। इसी बीच अमर सिंह की एंट्री हुई। चंद्रबाबू नायडू ने उनका जया प्रदा से परिचय कराया। उस मुलाकात के बाद अमिताभ बच्चन के जरिए भी अमर सिंह कई बार जया प्रदा से मिले। मुलाकातों के सिलसिले बढ़े तो जया प्रदा पर अमर सिंह का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने साल 2000 में टीडीपी छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो इस पार्टी से भी लोकसभा और राज्यसभा से सांसद रहीं। जया प्रदा और अमर सिंह के रिश्तों पर तरह तरह की बातें की गईं, लेकिन जया ने हमेशा कहा कि वो अमर सिंह को अपना गॉडफादर और राजनीतिक गुरु मानती थी। अमर सिंह ने हर तरह से जया प्रदा की मदद की। यही वजह रही कि उनके अमर सिंह से रिश्ते गहरे होते चले गए। अमर सिंह ने एक बार कहा था कि संसद में उनको जया प्रदा के साथ देखकर सांसद जलते थे। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे जीवन में कई लोगों ने मेरी मदद की है और अमर सिंह जी मेरे गॉडफादर हैं। उस मुश्किल वक्त में अमर सिंह ही थे जिन्होंने न सिर्फ हालात से उबरने में जया की मदद की बल्कि उनके साथ डट कर खड़े रहे। जया ने भी अमर सिंह के मुश्किल वक्त में उनका हर तरह से साथ दिया।
2008 के कैश फॉर वोट मामले में जब अमर सिंह जेल गए तो अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वो सिर्फ जयाप्रदा ही थी। वो अक्सर जेल में उनसे मिलने जाया करती थी। इसके बाद जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो जया ने भी उनके साथ लोक दल ज्वाइन कर लिया, लेकिन 2014 में रामपुर से चुनाव हार गईं। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जयाप्रदा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और हिंदी में लगभग 300 फिल्में की हैं। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक कामयाब करियर के बावजूद उनकी निजी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरती रही। फिर भी फिल्मों में उनके किए गए शानदार अभिनय और सादगी वाली इमेज के आज भी लोग कायल हैं। मौजूदा वक्त में वो राजनीति के साथ कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। हम उनके सेहतमंद जीवन और लंबी उम्र की कामना के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे फिर वही गुजारिश, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।